hello salam alaikum friends welcome once again in our physics class and i hope you all are good and fine now we are going to start this class with the topic of electric potential difference or you can say voltage as you know guys in previous class we have, we have discussed the topic of electric current electricity coulomb's law electrostatic force electric field or electric field intensity all right so electric field intensity in the last class we in here class we will start electric potential difference जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसका नाम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है देखें पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी अब किसकी एबिलिटी है बेटा कि यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इलेक्ट्रिकल फोर्सेज से जो वर्क करने की एबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है चार्ज के अंदर उसको हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं ठीक है द एबिलिटी ऑफ वर्क ऑन अ टेस्ट चार्ज या आप ये कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ वर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेज की वजह से चार्जेस के अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी है उस एबिलिटी को यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे सकते हैं अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखना चाहें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये भी लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ वर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है बेटा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि वर्क करने की एबिलिटी ठीक है इलेक्ट्रिकल फोर्सेज की वजह से ठीक है चार्जेस के अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी होती है उस एबिलिटी को बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं, वो हैं अब वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन ठीक है किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ठीक है उस डिफरेंस को हम बेसिकली वोल्टेज का नाम बेटा देते हैं ठीक है अभी होता क्या है ठीक है दो पॉइंट की बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरह से इसको हम डिस्कस करते हैं चलते हैं पहले हम इसकी डायग्राम बना के समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टेज क्या है ठीक है उसके बाद आपको अच्छे से जब हम डायग्राम के डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर हम इसकी डेफिनेशन और फिर इसके आगे फर्दर यूनिट और सिम्बल्स की तरफ चलेंगे ठीक है फिर फॉर्मूला डिस्कस डिस्कस करेंगे ठीक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन ठीक है मतलब कि चार्जेस की जो एबिलिटी है चार्जेस का जो पोटेंशियल है किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन अगर हम कैलकुलेट कर लें और उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो वो डिफरेंस कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं या वोल्टेज भी कहते हैं ठीक है ज़रा देखिएगा सपोज करें कि ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है ठीक है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सराउंडिंग की ये जो पूरी फील्ड है ये पूरी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है सोर्स चार्ज के सराउंडिंग की ये जो पूरी फील्ड है ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा जिसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज या क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज ठीक है इस पॉइंट को आप पॉइंट ए का नाम दे सकते हैं ठीक है अब इस पॉइंट पे सोर्स चार्ज की तरफ से कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से अब अगर देखें सोर्स चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो सोर्स चार्ज की तरफ से टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स ऑफ रिपल्जन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन और ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करते बाहर चला जाएगा लेकिन अगर मैं को ले पे पे चार्ज, चार्ज को मूव कराते हुए आगे लेके आऊँ और इस पॉइंट पर यहाँ पर ला टेस्ट चार्ज को रखूँ मतलब टेस्ट चार्ज को मूव कराते हुए आगे लेके आ गए सोर्स चार्ज की तरफ और अब टेस्ट चार्ज को आपने यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को मैं नाम देता था पॉइंट बी का तो यहाँ पे जब चार्ज को रखेंगे यहाँ पे सोर्स चार्ज की तरफ से टेस्ट चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगी और चार्ज ज़्यादा दूर तक मूव करते हुए जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जब हम सोर्स चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो सोर्स चार्ज से जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगती है जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज के अंदर कुछ एबिलिटी प्रोड्यूस होती है मूव करने की और टेस्ट चार्ज मूव करते हुए बाहर चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो टेस्ट चार्ज जो मूव करते हुए बाहर जा रहा है वो जो एबिलिटी है मूव करने की टेस्ट चार्ज की पॉजिटिव चार्ज की मूव करने की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ठीक है देखे? अब पॉइंट ए पे ये पॉइंट ए है ये है पॉइंट बी तो पॉइंट बी पे एज़ कंपेयर टू पॉइंट ए ज़्यादा एबिलिटी प्रोड्यूस होगी ठीक है मतलब पॉइंट ए पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखें पॉइंट ए पे जो पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं सोर्स चार्ज की तरफ से इस टेस्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी तो अब टेस्ट चार्ज की कुछ ना कुछ वर्क करने की एबिलिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ये मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा लेकिन ज़्यादा दूर तक मूव करते हुए नहीं जाएगा क्योंकि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में इस पॉइंट के बिटवीन पॉइंट ए के बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं टेस्ट चार्ज पे ठीक है वो टेस्ट चार्ज के अंदर कुछ पोटेंशियल जो है वो डेवलप कर रही हैं कुछ वर्क करने की एबिलिटी यहाँ पे जो है वो डेवलप कर रही हैं कुछ मूवमेंट की एबिलिटी डेवलप कर रही हैं जो टेस्ट चार्ज को मूव करवाते मूव करवाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाएंगे लेकिन एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी अगर पॉइंट बी पे टेस्ट चार्ज रखते हैं तो सोर्स चार्ज ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा टेस्ट चार्ज पे और टेस्ट चार्ज ज़्यादा दूर तक मूव करते हुए जब ज्यादा दूर तक टेस्ट चार्ज मूव करते हुए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दूर तक मूव करते हुए जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर चार्ज के अंदर ज़्यादा एबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है ज्यादा पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो रहा है तो सोर्स चार्ज की तरफ से ठीक है ज़्यादा फोर्स लग रही है तो इस पॉइंट पे पॉइंट बी पे टेस्ट चार्ज पे ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहाँ पे V से जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अगर मैं बात करूँ कि पॉइंट A पे जो पोटेंशियल है वो पॉइंट A पे पोटेंशियल V1 है और पॉइंट B पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2। तो इसका मतलब ये है कि एज़ कंपेयर टू पॉइंट ए पॉइंट बी में ज़्यादा जो है फ़ोर्सेज लगेंगी इलेक्ट्रिक फोर्सेज ज़्यादा सोर्स चार्ज की तरफ से लगेंगी जो टेस्ट चार्ज को ज़्यादा दूर तक मूव करवाते हुए लेके जाएंगे इसका मतलब पॉइंट बी पे ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और पॉइंट ए क्योंकि अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो है पॉइंट ए पे पोटेंशियल कम होगा चार्ज ज़्यादा दूर तक मूव करते हुए नहीं आए जाएगा ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिविटी में डिस्कस किया था सही बेटा तो अब अगर हम बात करें कि भाई यहां पे पोटेंशियल दो पॉइंट पे आपने बता दिया कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा अब आपको इन दो पॉइंट के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि डेल्टा भी डिफरेंस के लिए चेंज के लिए हम क्या करते हैं ठीक है डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं या फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं क्या भाई पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है इसको आपने वी टू का नाम दिया पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है उसको आपने वी वन का तो अगर हम वी टू में से वी वन को माइनस करेंगे तो दो पॉइंट के बिटवीन हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा वी टू माइनस वी वन से दो पॉइंट के बिटवीन आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा वोल्टेज तो बेटा किसी भी दो पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के अंदर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का नाम देते हैं तो आई होप आपको अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या डिस्कस किया था बेटा इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से चार्जेस के अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी होती है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई क्या उसके अंदर क्या डिफ्रेंस कैसे निकालते हैं भाई फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं या एक में से दूसरे को माइनस करते हैं अब पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वन पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी टू तो वी टू में से वी वन को माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको डेल्टा वी मतलब वोल्टेज आ गया वोल्टेज कहते हैं ठीक है भाई तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या, या वोल्टेज क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या है ठीक है भाई जो तो सोर्स चार्ज की तर... आ, सोर्स चार्ज की तरफ से जो फोर्स लगी है टेस्ट चार्ज पे और टेस्ट चार्ज जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हुए जा रहा है या टेस्ट चार्ज जो है मूव करते हुए इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज के अंदर कुछ वर्क करने की एबिलिटी डेवलप हो रही है वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है ठीक है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका मतलब वो क्या है बेटा ठीक है वो जो वर्क करने की एबिलिटी है ठीक है तो दो पॉइंट के बिटवीन उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और जो भी वर्क हो रहा है टेस्ट चार्ज का ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस उसको हम क्या कहेंगे बेटा वोल्टेज कहेंगे ठीक है भाई तो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अब लिखेंगे बेटा हम बेटा डेफिनेशन फिर इसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे फिर हम जो है वो इसका यूनिट ठीक है डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हिंड डाल दीजिएगा डेफिनेशन की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कॉल्ड एस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और करके बेटा एक और डेफिनेशन लिखिएगा इसकी और करके एक और डेफिनेशन लिख लें द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज द वर्क डन वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज ठीक है ब्रैकेट में लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज इसको पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्कॉलैस ऑपोजिट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्कॉरलेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज कॉल्ड स्कॉलैस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ठीक है बेटा अब इसका सिंबल वी और डेल्टा वी दोनों हैं बेटा ठीक है वी वी कह सकते हैं डेल्टा वी भी कह सकते हैं और ये दोनों कैपिटल हैं बेटा ठीक है वी यहाँ पे कैपिटल है तो डेल्टा वी कहें या वी कहें एक ही बात है ये दोनों वोल्टेज के सिंबल्स हैं अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यहाँ पे आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज ठीक है या वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज तो फार्मूला जो है वो आपके पास बनेगा डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन वर्क का सिंबल डब्ल्यू और टेस्ट चार्ज का सिंबल क्या होता है बेटा क्यू नोट या फिर अगर हम इसको ये एज्यूम कर लें सॉरी कि भाई ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके पास क्या है बेटा टेस्ट चार्ज है जिसको पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास सोर्स चार्ज है ठीक है तो अगर हम ये देखें कि भाई ये जो डेल्टा भी है इसको वी से भी करते हैं ठीक है और वर्क डन वर्क का सिंबल क्या है? डब्ल्यू और क्यू नॉट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको सिर्फ क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये जो दो फार्मूलाज बनाए कोई भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूला एक्चुअली एक ही है सिम्बल्स हमने जो है वो अपनी मर्जी से यूज़ कर लिए कि भाई डेल्टा वी या वी कह सकते हैं वोल्टेज को इसी तरह टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट या अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ क्यू भी हम यहाँ पे ले सकते हैं ठीक है ठेके? तो ये आपके पास आ गया बेटा वोल्टेज का फार्मूला और अगर हम यूनिट बनाएं तो बेटा वर्क का यूनिट क्या होता है आपके पास जूल ठीक है वर्क का यूनिट क्या है जूल और चार्ज का यूनिट का क्या होता है बेटा कूलम तो इसका यूनिट बन सकता है जूल पर कूलम यूनिट क्या बन सकता है बेटा जूल पर कूलम तो इसका ऐसा यूनिट यहीं डाल के एस आई यूनिट लिख लीजिएगा बेटा वोल्टेज का ऐसा यूनिट जूल पर कूलम और बेटा वोल्ट ठीक है जिसको वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और करके ठीक है भाई तो इसका वोल्टेज का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो बेटा यूनिट है वो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट ठीक है वोल्टेज का जो यूनिट है वोल्ट जिसको वी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ तक अब आगे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का टॉपिक पढ़ा अब आप पढ़ने जा रहे हैं हम दूसरा एक और टॉपिक है डाल देगा न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हेंड डाल दें बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई एम एफ भी कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ठीक है या ई एम एफ के तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है कि एनर्जी है ठीक है क्या अभी हम डिस्कस करते हैं और ये ई एम एफ जो है वो क्या है ई की एब्रीवियशन क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है ई भी कहते हैं इसको तो ई एम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा अगर हम ये टॉपिक डिस्कस करें अगर आप देखें इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस मोटिव मीन्स मोशन ठीक है तो भाई फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस जो मोशन पे ठीक है मोशन में तो किस जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव कर रहे हैं जिस फोर्स की वजह से उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बेटा कि भाई चार्ज जो है उसको मूव जो फोर्स करवा रही है ठीक है चार्जेस को जो फोर्स मूव करवा रही है ठीक है वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो चार्ज को मूव करवाने की जो चार्ज के अंदर जो मूव करने की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी क्या है आपने अभी डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब उसको जो फोर्स मूव करवा रही है जो फोर्स उसको मूव करवा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है कि पर यूनिट पर यूनिट चार्ज एक चार्ज पे जो फोर्स लग रही है उसको मूव करवा रही है वो वो फोर्स जो उसको मोशन में लेके आ रही है वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल है देखिए एग्जाम्पल ले ली बैटरी की या सेल की कि उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं मूव कर रहे होते हैं ठीक है चार्जेस उसके अंदर क्या होते हैं चार्जेस तो होते हैं अब उन चार्जेस को मूव जो फोर्स करवाती है ठीक है वो फोर्स क्या कहलाएगी बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ठीक है टेस्ट चार्ज चार्जेस के बिटवीन जो वर्क हो रहा है चार्ज जो वर्क कर रहे हैं ठीक है वो वर्क क्या कहलाता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिखा वर्कड ऑन आर टेस्ट चार्ज जो चार्जेस वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ठीक है चार्जेस जो वर्क कर रहे हैं चार्जेस के बिटवीन जो वर्क हो रहा है वो क्या कहलाता है वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वर्क हो रहा है वो वर्क क्या होता है वो वर्क इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ठीक है वो वर्क क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से जो फोर्स वर्क करवा रही है वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब बैटरी के थ्रू आपने एक बल्ब लिया उसके दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट किया बल्ब जल गया वो बल्ब जला किस वजह से ठीक है इस वजह से बल्ब ऑन कैसे हुआ इस वजह से हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से भाई बैटरी के अंदर चार्जेस तो हैं तो कौन सी फोर्स मूव करवा रही है चार्जेस को और वो लेके आ रही है कहाँ तक बल्ब के अंदर बल्ब के अंदर तक बल्ब के अंदर जो चार्जेस सप्लाई कर रही है जो फोर्स वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है तो हो, अब आपको समझ में आ गया होगा तो जल्दी से नहीं डाल दें इसकी डेफिनेशन की और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें ठीक है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें द एनर्जी पर यूनिट चार्ज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज विच टें टू मूव चार्ज द इनर्जी पर यूनिट चार्ज विच टेंड्स टू मूव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच टेंड्स टू मूव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉललेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉललेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द इनर्जी पर यूनिट चार्ज विच टेंस टू मूव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल लेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है बेटा तो सर्किट में जो वर्क हो रहा है वो वर्क किसकी वजह से हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से और जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्जेस वर्क कर रहे हैं वो वर्क क्या कहलाता है बेटा वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये इनके बिटवीन डिफरेंस है ठीक है बेटा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आपने लिख ली ठीक है सिम्बल आपको मैंने बता दिया लिख लिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिम्बल और यूनिट जो है डिस्कस करेंगे सिंबल वही है बेटा ई एम एफ ठीक है और यूनिट है बेटा इसका भी वोल्ट ठीक है तो यूनिट क्या है इसका वोल्ट ठीक है क्योंकि वोल्ट ये भी आप देखें चार्जेस वर्क कर रहे हैं यहाँ पे क्या है वो फोर्स जो चार्जेस को मूव करवा रही है तो दोनों का जो यूनिट है आप देख सकते हैं इसका भी यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट या और वोल्टेज का भी यूनिट क्या है जूल पर कूलम यहाँ पे क्या है इसका अगर फार्मूला बनाएं ईएमएफ e का ठीक है वैसे तो ईएमएफ का अगर हम फार्मूला बनाएं तो फार्मूला देख सकते हैं कि अगर इसका हम फार्मूला बनाएं ई एम एफ का तो बेटा फार्मूला क्या बनेगा ज़रा देख लीजिएगा ई एम एफ टू एनर्जी सप्लाई पर यूनिट चार्ज ठीक है जो पर यूनिट चार्ज पे जो एनर्जी सप्लाई हो रही है ठीक है उस यूनिट उस चार्ज को मूव कराने के लिए ठीक है वो क्या कहलाती है बेटा ई तो आप देखें एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल और चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा कोलम तो जूल पर कोलम किसके बराबर होता है वोल्टेज के ठीक है सॉरी वोल्ट के तो जूल जूल पर कोलम किसके बराबर बेटा वोल्ट के तो ईएमएफ एम आपने डिस्कस किया और इसका सिंबल और यूनिट हमने डिस्कस कर लिया अब हम चल हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैपेसिटर का हैंड डाल दिएगा बेटा कैपेसिटर ठीक है भाई तो कैपेसिटर हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर का वर्ड सुनते ही ये टॉपिक सुनते ही कैपेसिटर का लफ्ज़ सुनते ही ठीक है बेटा आपके माइंड में फौरन एक डिवाइस आती है जो कि हम फैन में यूज़ करते हैं ठीक है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इसको यूज़ करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ होने वाली ये डिवाइस जो है वो क्या है फैन क्योंकि फ़ैन में इस वजह से पता है क्योंकि घरों में हम नॉर्मली फ़ैन में ये डिवाइस जो है वो यूज़ हो रही होती है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है लेकिन इस वजह से पता है कि जैसी गर्मी आती है फ़ैन की स्पीड बढ़वानी है भाई कैपेसिटर चेंज कराओ कैपेसिटर ख़राब हो चुका है ठीक है इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं कैपेसिटर चेंज कराते हैं फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है तो उस वजह से पता है कि भाई एक डिवाइस होती है जो फ़ैन में यूज़ होती है जिसकी वजह से फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है भाई वो डिवाइस खिलाती है कैपैसीटर तो अब हम उसी डिवाइस को यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है तब फ़ैन की स्पीड कैसे बढ़ती है क्यों यूज़ करते हैं क्या काम है इसका ये सारी चीज़ें अब हम इस टॉपिक में कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे अच्छा जी तो कैपेसिटर क्या है एक ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करती है उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर तो वो डिवाइस जो चार्ज स्टोर करती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करती है ठीक है उस डिवाइस को कहते हैं बेटा कैपेसिटर क्यों करती है बेटा इस वजह से ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब ना हो सकें भाई जैसे करंट आया ठीक है अब करंट आ रहा है डायरेक्ट फैन में तो नहीं जा सकता फ़ैन की एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है उसके अंदर हमने कैपेसिटर यूज़ किया डायरेक्ट फैन में करंट सप्लाई होगा तो वोल्टेज की ज़रा माइनर सी भी फ्लक्चुएशन से ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज हो जाती हैं ख़राब तो उनको बैलेंस करके रखने के लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं कैपेसिटर अपने अंदर चार्जेस को क्या करते हैं बेटा स्टोर भाई करंट प्रोवाइड किया करंट पहले गया कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर ने कुछ चार्ज स्टोर किए कुछ करंट जो है वो आगे सप्लाई किया फ़ैन में ठीक है आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा अमाउंट ऑफ करंट को अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगा करंट जो है करंट का अमाउंट ऐसा ऐसा बढ़ाएगा फ़ैन को आगे सप्लाई करता रहेगा कुछ अपने चार्जेस कुछ करंट अपने अंदर स्टोर करता रहेगा जब उसके अमाउंट ऑफ मतलब उसकी कैपेसिटी स्टोर करने की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी जिसको क्या कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर को कैपेसिटेंस कहते हैं कि भाई चार्ज स्टोर करने की जो उसकी एबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो अब वो क्या करेगा पूरे पूरे चार्जेस फ़ैन को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा तो क्या कर रहा है अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर रहा है सही है तो चार्जेस को स्टोर इस वजह से कर रहा है कि अगर कहीं हल्की सी फ्लक्चुएशन होती है करंट का फ्लो में कोई थोड़ी सी डिस्टरबेंस आती है तो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुए हुए होते हैं वो चार्जेस यूटिलाइज़ होते हैं ताकि फ़ैन की स्पीड और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या रहे मेंटेन रहे बैलेंस रहे ठीक है और ये ख़राब ना हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बैलेंस करके रखने के लिए ठीक है और इनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम कैपेसिटर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं बेटा यूज़ करते हैं अब कैपेसिटर क्या करता है अपने अंदर पहले चार्जेस को स्टोर करता है अब ऐसा नहीं है कि भाई फ़ैन ऑन का बटन ऑन किया बटन ऑन करने से डायरेक्ट फैन जो है वो स्पीड से मूव करने स्टार्ट हो गया ऐसा होता नहीं है क्या होता है जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो फ़ैन की स्पीड आहिस्ा आहिस्त बढ़ती है क्यों क्योंकि क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आगे सप्लाई हो रहे होते हैं करंट आगे सप्लाई हो रहा था पहले कैपेसिटर अपने अंदर करंट स्टोर कर रहा होता है और ऐसे ऐसे प्रोवाइड करते है। जैसे इसकी कैपेसिटेंस कंप्लीट हो जाती है इसकी एबिलिटी ऑफ इस चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इसकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये कंप्लीट करंट प्रोवाइड करते हैं इतनी देर में आप देखते हैं कि फैन की स्पीड फिर नॉर्मल हो जाती है ठीक है अपनी स्पीड से एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो कैपेसिटर वो डिवाइस जो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करती है इस डिवाइस को हम बेसिकली कैपेसिटर का नाम देते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से फ़ैन में नहीं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होती है आप देखते हैं टी के रिमोट के अंदर भी छोटा सा कैपेसिटर यूज़ होता है ठीक है तो ये डिवाइस जो है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं सब के अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है ठीक है चलते हैं भाई कैपेसिटर की अब बनाते हैं बेटा डायग्राम फिर लिखेंगे डेफिनेशन फिर इसकी कुछ इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फिर कैपेसिटेंस क्या के होती है वो डिस्कस करते हैं तो हिंड डाल दिए गया पहले तो इसकी डायग्राम की डायग्राम हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह का होता है बेटा देखिए कैपेसिटर की टाइप्स बहुत सारी हैं और वो उसमें से कुछ टाइप्स आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर फिजिक्स में चैप्टर नंबर टू के अंदर डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स अभी बहुत टाइम है तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ एक उसकी टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अच्छा बेटा पैरल प्लेट कैपेसिटर में एक आपके पास ठीक है पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ठीक है अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन दो प्लेट्स के बिटवीन जो बेटा डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को स्मॉल डी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर के, के अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं उसको क्यू से और जो भी चार्ज स्टोर हो रहे हैं ठीक है जो भी करंट हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वोल्टेज क्या है बेटा वी ठीक है और इन पूरे कैपेसिटर की प्लेट्स का जो एरिया है उसको हम यहाँ पर बेटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और इस कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है उसको हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं सी मीन्स कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को भी हम डिस्कस करते हैं तो ये आपके पास कैपेसिटर है दो प्लेट्स हैं एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ठीक है अब जब इसको हम करंट प्रोवाइड करते हैं इसको टर्मिनल दो टर्मिनल हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट आता है चार्जेस आते हैं इसके अंदर स्टोर होते हैं बीच में रखता है हम एक डाई इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक क्या है एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है जो कि के दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन रखा जाता है ताकि इसकी कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज हो सके ठीक है वो भी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ठीक है भाई तो ये है आपकी बात कैपेसिटर अब डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया आप लोग भी डायग्राम बना ले पेपर में डायग्राम बनाने के लिए आती है तो नहीं बेटा पेपर में डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगी लेकिन आपको समझाने के लिए कैपेसिटर किस तरह से ठीक है ये आपकी ये एक सर्किटल जो है वो आप ये कह सकते हैं डायग्राम है ठीक है एक्चुअल डिवाइस की डायग्राम नहीं है ये डिवाइस तो अलग अलग शेप में अलग अलग तरह की होती हैं ये उसकी सर्किटल डायग्राम है ठीक है तो डायग्राम बना ले फिर इसकी डेफिनेशन लिखिएगा तो कैपेसिटर के बारे में लिखना स्टार्ट करें अडिवाइस विच इज यूज टू अडिवाइस विच इज यूज़ टू इस्टोर अडिवाइस विच इज यूज़ टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस अडिवाइस विच इज यूज़ टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस कर दें अडिच इज यूज़ टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉललेस कैपासीटर अडिवाइस विच इज यूज स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉललेस कैपेसीटर उसके बाद इसके एक मैथामेटिकल रिप्रजेंटेशन के अकॉर्डिंग ठीक है एक हम रिलेशन बना लेते हैं इसका फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ भी बताते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि भाई जो चार्जेस के अंदर स्टोर हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा वोल्टेज से ठीक है जितने चार्जेस स्टोर होंगे वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा ठीक है जितने ज़्यादा वोल्टेज होगा चार्जेस उतने ज़्यादा स्टोर होंगे दोनों के बिटवीन कौन सा रिलेशन है बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है इससे हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे ठीक है अब चार्ज स्टोर और वोल्टेज जो है दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional है प्रोपोर्शनलिटी का बेटा जब साइन हटाएंगे एज यू नो हम इक्वस टू कॉन्स्टेंट लगाते हैं ठीक है और जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे वो बेटा सी है सी मीन्स कैपेसिटेंस ठीक है भाई ये सी क्या है बेटा कैपेसिटेंस क्या होते हैं इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे इक्वस टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे और बेटा वी एज इट इज़ और कांस्टेंट की जगह आ जाएगा सी तो क्यू इक्व टू सी वी आपने एक और फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लिया ठीक है तो यहाँ तक जल्दी से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कॉपी करें उसके बाद ये कैपेसिटेंस क्या होती है कैपेसिटेंस जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहीं डाल दिएगा कैपेसिटेंस की डाल दे बेटा कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस की आयोब आप लोग तो यहीं डाल चुके होंगे यहाँ पे मैं दोबारा जो है बेटा हेन डाल देता हूँ कैपेसिटेंस की ठीक है तो कैपेसिटेंस हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं ठीक है आप लोगों ने एक दफ़ा हिंड डाल है यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने यहीं पर डाल दिया आप यहाँ से मूव कर देते हैं इसको ठीक है भाई तो कैपेसिटेंस क्या है बेटा कि के कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी को क्या कहते हैं कैपेसिटेंस ठीक है तो कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी डिफरेंट है ठीक है तो जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो क्या कहलाती है बेटा कैपेसिटेंस कहलाती है ठीक है तो कैपेसिटेंस जो है इसके बारे में लिखिएगा द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ़ अ कैपेसिटर कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस इट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस ठीक है भाई तो कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी क्या कहलाती है कैपेसिटेंस कहलाती है ठीक है तो अगर हम इसका सिंबल यहाँ पे देखें तो कैपेसिटेंस का जो सिंबल है इसको कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर भी कहते हैं ठीक है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर तो इसका सिंबल क्या है बेटा सिंबल है इसका सी और अगर हम कैपेसिटेंस का फार्मूला बनाएं, तो फार्मूला कैपेसिटेंस का क्या बनेगा देखें क्यू इक्वस टू सी वी है तो वी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे क्या हो जगह डिवाइड तो क्यू अपॉन वी तो कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ पे बन सकता है C इक्वस टू क्यू अपॉन वी ठीक है भाई C v. ये कैपेसिटेंस का फार्मूला बन गया और अगर ड्यू टू दिस फॉर्मूला अगर हम कैपेसिटेंस की एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये बन सकती है द रेशो बिटवीन चार्ज स्टोर एंड पोटेंशियल डिफरेंस द रेशो बिटवीन चार्ज स्टोर एंड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज द रेशो बिटवीन चार्ज स्टोर एंड वोल्टेज या पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर रिश बिटवीन चार्ज स्टोर एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ठीक है बेटा ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बन सकती है आप चाहे वाली ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो लिखें या इसकी अर्ली डेफिनेशन लिख लें आप लोगों की मर्जी है इसका अगर हम यूनिट बताएं तो बेटा जो है चार्ज का जो यूनिट होता है ठीक है वोल्टेज का यूनिट क्या है वोल्ट ठीक है और चार्ज का यूनिट क्या है कूलम तो कूलम पर वोल्ट या फिर इसका एक और ऐसा यूनिट है तो इसका एक यूनिट तो बन सकता है कूलम पर वोल्ट और दूसरा ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं इसका यूनिट है फेरेट ठीक है भाई इसका ऐसा यूनिट क्या कैपेसिटेंस का बेटा फेरेट एफ ए आर ए डी फेरेट तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो कैपेसिटर फैन में यूज़ होता है 1.5 माइक्रो फाइव 1.5 माइक्रो पॉइंट ठीक है या 2 माइक्रो माइक्रोफेरेट का होता है ठीक है तो जब हम कैपेसिटर चेंज करवाते हैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन आता है कैपेसिटर चेंज करता है ठीक है और जब चेंज कर रहा होता है बोलता भाई इसमें कंपनी का कैपेसिटर लगा हुआ है इस फैन में और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस तो नहीं बोलता बोलता भाई वन पॉइंट का कैपेसिटर लगा हुआ है जाओ टू का कैपेसिटर या टू का कैपेसिटर ले आओ अब वो 2 या 2.5 पॉइंट फाइव का केपैसीटर मंगवा रहे तो 2 या 2.5 क्या है वो 2 या 2.5 फाइव माइक्रो फेरेट है बेटा ठीक है वन माइक्रो फैरिट तो माइक्रो फैरिट ठीक है माइक्रो मीनसोदी पार्ट सिक्स ठीक है तो यहाँ पे हम फैरिड एक्चुअली जो है इसका यूनिट है ठीक है ऐसे यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का फैरिट वहाँ पर हम माइक्रो फैरिट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है माइक्रो फैरिट जो है वो हम यूज़ करते हैं एज यूनिट ठीक है बेटा तो आई आइयो आपको समझ में आ गया हो कैपेसिटेंस क्या है चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इसका सिंबल फार्मूला यूनिट हमने डिस्कस कर लिया अब हम जा रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ मतलब कैपेसिटर का ही टॉपिक अभी चल रहा है जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की मतलब चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो होती है या कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर जो है ठीक है ये डिपेंड कर रही है बेटा तीन फैक्टर्स पे वो तीन फैक्टर्स जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हिट डाल दीजिएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कैपैसिडेंस इन डाल दें फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कैपेसिटेंस और उसमें तीन फैक्टर्स में आपके पास जो फर्स्ट सबसे पहला फैक्टर है वो पहला फैक्टर है बेटा एरिया ऑफ प्लेट्स मतलब ए एरिया ऑफ प्लेट्स मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनका एरिया एरिया मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनकी लेंथ और इसकी विड ठीक है इनके बिटवीन डिस्टेंस और इनकी जो हाइट है ठीक है इनकी लेंथ जो होगी इनकी हाइट जो होगी ठीक है ये मिलके क्या बनाएगा बेटा एरिया एरिया अगर ज़्यादा होगा ठीक है पहला फैक्टर है कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटेंस का पहला फैक्टर जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करिए वो एरिया ऑफ कैपेसिटर मीनस एरिया ऑफ प्लेट्स कि प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा तो चार्जेस बेटा उतने ज़्यादा स्टोर हो सकेंगे और जितने ज़्यादा चार्जेस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होंगे उतनी कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा इंक्रीज होगी ज़्यादा होगी तो चार्जेस का एरिया जितना यहाँ पर बेटा ज़्यादा होगा चार्जिस का एरिया ज़्यादा होगा तो चार्जेस ज़्यादा स्टोर हो सकेंगे जितने ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे एरिया ऑफ प्लेट्स के एरिया ज़्यादा होने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे तो लिखिएगा यहाँ पर एक रिलेशन इसका लिख लें द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स तो हम ये रिलेशन लिख लेंगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इसके बाद सेकेंड फैक्टर यहां डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं कि प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा कैपेसिटेंस इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि भाई जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा कैपेसिटेंस उतनी कम होगी अब बेटा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे चार्जेस कम स्टोर होंगे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ठीक है चार्जेस कम है डिस्टेंस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी ठीक है क्योंकि प्लेट एरिया तो नहीं बढ़ा रहे प्लेट्स तो नहीं बढ़ा रहे प्लेट्स तो उतनी है चार्जेस तो उतने ही आ रहे हैं लेकिन उनके बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा जब उनके बिटवीन गैप ज़्यादा हो जाएगा ठीक है उनके बिटवीन गैप ज़्यादा होने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कैपेसिटेंस वहाँ पर क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी ठीक है तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स में और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इनके बिटवीन इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी डिस्टेंस ज़्यादा होने की कैपेसिटेंस कम हो जाएगी तो लिखिएगा द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ अ केपैसीटर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो रिलेशन लिख लेंगे बना डी ठीक है बेटा थर्ड और लास्ट फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिख लीजिएगा थर्ड फैक्टर की यहीं डाल के नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक अब सबसे पहले ये डाई डी आई ठीक है ई ई एल है अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ये क्या है बेटा डाई इलेक्ट्रिक अभी हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है बेटा इंसुलेटर क्या होता है जिसके अंदर से कंडक्टर जिसके अंदर से करंट जो है पास नहीं हो सकता उसको कहते हैं इंसुलेटिंग मटीरियल तो इंसुलेटिंग मटीरियल का यहाँ पे क्या काम बेटा इंसुलेटिंग मटीरियल हम प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के बिटवीन प्लेस करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस करते हैं ताकि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो सके बेटा इंक्रीज हो सके तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन ये जो हम इंसुलेट इंसुलेटिंग मटीरियल प्लेस करते हैं ताकि कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कैपेसिटी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी क्या हो सके इंक्रीज़ हो सके तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक का नाम बेटे देते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन प्लेस होता है ताकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो सके उसको हम क्या कहते हैं बेटा नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सही उसको हम कहते हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक तो कैपेसिटर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक की नेचर पे डिपेंड कर रहा है जितना अच्छी क्वालिटी का हमने डाई इलेक्ट्रिक यूज़ किया होगा तो कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी और जितनी लो क्वालिटी का डाईलक्ट्रिक यूज़ करेंगे कैपेसिटेंस उतनी कम होगी ये जो कैपेसिटर की जो प्राइस भी होती है ना डाई इलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रही ठीक है अब आपने कैपेसिटर चेंज करवाना है इलेक्ट्रिशियन को बुलाया भाई स्पीड बढ़ा दें फैन की स्पीड जो कम है उसने बोला ठीक है कैपेसिटर चेंज होगा जो 2.5 का कैपेसिटर ले आओ अब 2.5 का कैपेसिटर लेने गए अब जैसी शॉप के पे गए तो बोला टू पॉइंट फाइव का कैपेसिटर दे दें उसने दो कैपेसिटर दिए बताया बोला कि भाई ये एक ये डेढ़ सौ रुपये का है और ये दो सौ रुपये का अब एक वन फिफ्टी का एक टू हंड्रेड का है तो क्या डिफरेंस है तो उसने आपने पूछा भाई ये डिफरेंस क्यों है भाई ये अच्छी क्वालिटी का है लो क्वालिटी का है ये अच्छी कंपनी का है ये लोकल कंपनी का है तो अब उनको भी नहीं पता एक्चुअली क्या होता है कि भाई जहाँ जिन जिस जो है कैपेसिटर के अंदर अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा डायइलेक्ट्रिक यूज़ हुआ होगा अच्छी क्वालिटी का जाहिर सी बात है उसके पैसे ज़्यादा हैं तो इस वजह से कैपेसिटर की कॉस्ट जो है क्या हो जाती है इंक्रीज तो डाईलैक्ट्रिक की क्वालिटी पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या करिए डिपेंड कर रही है ठीक है जितनी अच्छी क्वालिटी का डायलैक्ट्रिक यूज़ करेंगे कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी तो लिखेंगे नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक में सेकंड थर्ड जो आपके पास फैक्टर है इसमें लिखिएगा द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ज डिपेंड अपॉन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक द कैपैसिटेंस ऑफ अपैसिटर इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक ठीक है बेटा उसके बाद डाइलेक्ट्रिक क्या है उसकी भी डेफिनेशन लिख ली गाइंडॉल ने डाइलेक्ट्रिक की तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में बेटा लिखना स्टार्ट करें डाइलेक्ट्रिक लिखिएगा डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन प्लेस करते हैं ताकि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सके तो डायलैक्ट्री की बेटा डेफिनेशन लिखिएगा एन इंसुलेटिंग मटीरियल एन इंसुलेटिंग मटीरियल विच इज प्लेस बिटवीन एन इंसुलेटिंग मटीरियल विच इज़ प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विच इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर टू इंक्रीज एड्स कैपैसी टू इंक्रीज एड्स कैपैसीस स्कॉर्डलेस डाईलैक्ट्रिक स्कॉर्डलेस डाईलैक्ट्रिक ठीक है बेटा तो डाईलैक्ट्रिक की बात अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंडक्टर ठीक है तो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर सेमी कंडक्टर नॉन कंडक्टर जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं ठीक है ये डिस्कस करते हैं फिर हम उसके बाद जो है कंडक्टर्स डिस्कस करेंगे फिर हम रेजिस्टेंस की तरफ चलेंगे ठीक है बेटा तो कंडक्टर क्या है कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से कंप्लीट अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं कंडक्टर ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल ऑल मेटल्स जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर से कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो तमाम मेटल्स जो है वो बेटा वो क्या कहलाते हैं कंडक्टर तो कंडक्टर जो है वो क्या है बेटा एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से कंप्लीट अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो जाता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर तो कंडक्टर की बेटा डेफिनेशन लिख लीजिएगा ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस इन विच ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट कैन ईजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन ईजिल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स ठीक है बेटा फिर उसके बाद इसकी एग्जाम्पल यहीं डाल के इसकी एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स ठीक है भाई उसके बाद डाल देंगे सेमी कंडक्टर की तो सेमी कंडक्टर वो तमाम सब्सटेंस जिनके अंदर से पार्शियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है पार्शियल नहीं पास होता मतलब वो अमाउंट वो सब्सटेंस जिसके अंदर से कंप्लीट करंट पास नहीं होता कुछ करंट पास होता है कुछ करंट उसके अंदर से पास नहीं हो सकता ठीक है जैसे सिलिकॉन है जर्मेनियम है कार्बन है जो कंप्लीट करंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने अंदर से उनको हम कहते हैं सेमी जैसे ग्रुप फोर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेमी हैं तो तमाम वो सब्सटेंस जिनके अंदर से करंट कंप्लीट पास नहीं हो सकता कुछ करंट पास होता है कुछ पास नहीं हो पाता उसको हम कहते हैं बेटा सेमी तो लिखिएगा ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक All of those substances in which partial amount of an electric current, partial amount of an electric current can transfer from one point to another, partial amount of an electric current can transfer from one point to another are called as are called as semiconductors. Are called as semiconductors. So in this example, we can write silicon, germanium, carbon, silicon. जर्मीनियम कार्बन एक्सेट्रा ठीक है तो दीज आर द सेमी कंडक्टर्स तो सेमी कंडक्टर्स के बाद अब हम आएंगे नॉन कंडक्टर्स पे और नॉन कंडक्टर्स जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं ठीक है अभी हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल डिस्कस किया था ऊपर तो अब हमारे इंसुलेटर को डिस्कस करने ठीक है नॉन कन्डक्ट नॉन कंडक्टर जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं तो नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर वो तमाम मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास ही नहीं हो सकता जिनके अंदर से करंट ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं बेटा नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर जिसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं जैसे गिलास है वुड है ठीक है बेटा वुड है ग्लास है पेपर है इसके अंदर से करंट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर नहीं हो सकता ठीक है रबर है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर तो लिखिएगा ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस इन विच ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट ट्रांसफ़र ऑल ऑफ दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आर कॉल्ड लेस नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर ठीक है बेटा तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो लिख लीगा गलास एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं गिलास है वुड है प्लास्टिक है दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नॉन कंडक्टर प्लास्टिक ग्लास वुड ठीक है बेटा तो इंसुलेटर जिसको नॉन कंडक्टर सेमी कंडक्टर कंडक्टर के बाद अब तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हिंड डाल दिएगा कंडक्टेंस की बेटा इंड ऑल दे नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस और यू कैन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा बेटा कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से कंडक्टर क्या है एक बेटा वो सब्सटेंस जिसके अंदर से कंप्लीट अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर से कंप्लीट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको कहते हैं कंडक्टर तो कंडक्टर के अंदर से करंट पास होने की जो एबिलिटी है कंडक्टर के अंदर से करंट पास करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और यू कैन से कंडक्टेंस जिस तरह से किसी भी कंडक्टर के अंदर से हीट पास करने की एबिलिटी कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी इसी वजह से इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर से करंट पास करने की एबिलिटी कहलाती है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और यू कैन से कंडक्टेंस तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखिएगा द करंट पासिंग एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल द करंट पासिंग एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड एज कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करंट पासिंग एबिलिटी ऑफ अ is इज as कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका सिंबल कहीं डाल के हम इसका लिखेंगे सिंबल सिंबल फॉर्मूला यूनिट अगर हम सिंबल की बात करें तो बेटा सिंबल है इसका एस और फॉर्मूला है इसका एस इक्वल्स टू वन अपॉन आर तो बेटा वन अपॉन आर तो ये आर क्या है आर है रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस क्या होती है अभी हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे ठीक है रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस क्या है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ठीक है और यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस का होता है क्योंकि ओमेगा जिसको ओम्स भी कहते हैं तो इसका यूनिट है वन अपॉन ओम्स या वन अपॉन ओमेगा जिसको सेमेंस भी कहते हैं जिसको सेमेंस भी कहते हैं ठीक है वन अपॉन ओमेगा जिसको सेमेंस भी कहते हैं और फॉर्मूला वन अपॉन आर और सिंबल है इसका बेटा क्या एस ठीक है बेटा कैपिटल एस तो अब ये रेजिस्टेंस अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस क्या चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस की तरफ हैंड डाल दिएगा बेटा रेजिटेंस आपने इससे पहले रेजिस्टेंस का वर्ड सुना होगा ठीक है कि ये इस चीज़ में रेजिस्टेंस है ये इस चीज़ में रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट तो करंट अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस का भी ताल्लुक इससे होगा करंट से इलेक्ट्रिसिटी से तो इलेक्ट्रिक करंट में जो रुकावट है ना वो ये है रेजिस्टेंस ठीक है सिंपल ये कह रहे कि भाई करंट फ्लो करने से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ना उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं अब फ्रिक्शन क्या होती है कि अगर कोई भी दो बॉडीज आपस में मूव कांटेक्ट में मूव कर रही होती है एक बॉडी किसी सरफेस पे मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती तो हाथ रगड़ रहे हैं ठीक है तो हैंड्स तो को रब करने से क्या प्रोड्यूस हो रही है बट फ्रिक्शन उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स जब चार्जेस कंडक्टर के अंदर से मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से ठीक है क्या होता है उनकी चार्जेस की इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर मूवमेंट की वजह से कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस फ्रिक्शन को हम बेसिकली रेजिस्टेंस का नाम देते हैं जब चार्जेस मूव कर रहे मूव करते हुए किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो चार्जेस को मूव कराने की एबिलिटी क्या कहलाती है कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं ठीक है चार्ज पास हो रहे होते हैं कंडक्टर से तो उनकी मूवमेंट से उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी मूव करने की वजह से कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस फ्रिक्शन को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं अगर किसी भी कंडक्टर से ज़्यादा करंट पास होगा ठीक है ज़्यादा चार्जेस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन उनकी बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन बढ़ने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जब भी आपने देखा होगा कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा है तो ज़्यादा करंट अगर पास हो गया या कंडक्टर बहुत मतलब आपने अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ किया हुआ बहुत ज़्यादा यूज हो गया तो उसके अंदर से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कार्बन आने की वजह बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से कार्बन आया था और कार्बन की वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो रही होती है मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जब हम वायर जो है जब अनप्लग प्लग जब निकाल रहे होते हैं अनप्लग कर रहे होते हैं स्विच बंद करके उसका प्लग निकाल रहे होते हैं वो वायर हीटअप हो रहे होते हैं वो हीटअप इस वजह से हो रहे होते हैं ठीक है कि उनकी बहुत ज़्यादा यूज़ेज की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है या कंडक्टर अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया हुआ ठीक है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पास जो हो रहे हैं जब चार्जेस पास हो रहे हैं वो सही से नहीं हो पा रहे ठीक है उनको स्पेस नहीं मिल मूव कराने की जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट की वजह से चार्जेस की मूवमेंट की वजह से कंडक्टर के अंदर चार्जेस की मूवमेंट की वजह से कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उस फ्रिक्शन को हम बेसिकली रेजिस्टेंस का नाम देते हैं इसी वजह से आपने जो है रेजिस्टेंस की वजह से शॉर्ट सर्किट पॉसिबल है किस तरह से कि भाई अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो मतलब ज़्यादा करंट अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होने की वजह से ज़्यादा चार्जेस पास होने की वजह से फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस तो होगी तो जब शॉर्ट सर्किट होता है इसी वजह से कि भाई अगर वायर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए ठीक है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कम हो जाती है अब करंट तो उस उतना ही आएगा करंट आने की वजह से चार्जेस फ्लो करने की वजह से रेजिस्टेंस जैसी बढ़ती है तो वायर हीटअप होना शुरू हो जाता है, है और अगर ज़्यादा करंट पास हो जाए ठीक है तो वायर ज़्यादा अगर हीटअप हो जाए तो बेटा कॉपर के वायर के ऊपर कोई रबर की कवरिंग और केसिंग होती है प्लास्टिक की या रबर की कवरिंग होती है तो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ज़्यादा करंट पास होने की वजह से जैसे हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वायर ज़्यादा हीटअप होने की वजह से रबर की कवरिंग या प्लास्टिक की कवरिंग जो केसिंग होती है मेल्ट हो जाती है मेल्ट होने की वजह से अगर दो कॉपर के वायर आपस में मिलेंगे तो एक शॉर्ट सर्किट धमाका होता है लाइट चली जाती है ठीक है तो शॉर्ट सर्किट इस तरह से भी पॉसिबल है ठीक है ड्यू टू द रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस आपको अब पता लगे कि बेटा वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन करंट या चार्जेस के फ्लो होने की वजह से जो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम बेसिकली रेजिस्टेंस का नाम देते हैं तो बेटा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखिएगा द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन

ऐसा तो यूनिट है बेटा ओमेगा जिसको ओम्स भी कहते हैं ठीक है ये जो ऐसा यूनिट है इसको ओमेगा या ओम्स भी कहते हैं ठीक है भाई तो रेजिस्टेंस का सिंबल रेजिस्टेंस का यूनिट आपने डिस्कस कर लिया इसी तरह रेजिस्टेंस की सर्किटल रिप्रेजेंटेशन है कि रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे प्रेजेंट करते हैं देखिएगा तो इसकी सर्किटल रिप्रेजेंटेशन की हैंड डाल दिएगा अच्छा जी तो रेजिस्टेंस की जो बेटा सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है वो देख लीजिएगा लियेगा रेजिस्टेंस को सर्किट में इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है भाई तो ये रेजिस्टेंस को इस जिग्सैग लाइन से ठीक है बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ये जो जिग्सैक लाइन है इससे रेजिस्टेंस को सर्किटल रिप्रेजेंट जिस तरह से हमने कैपेसिटर की सर्किल रिप्रेजेंटेशन बनाई इसी तरह से ठीक है ये रेजिस्टेंस की सर्किट रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस के बाद अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ ठीक है रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा ना यूनिट जो है सॉरी जो इसका यूनिट है वो क्या है ओमेगा जिसको हम ओम्स भी कहते हैं तो ये ओम Ohm क्या है ओम्स का एक पूरा एक लॉ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ की अब बेटा हैंड डाल हैंड डाल दिएगा ओम्स लॉ अच्छा जी तो ओम्स लॉ की हम लिखेंगे स्टेटमेंट लेकिन उससे पहले यहाँ पे ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ में बताते हैं कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास होता है ठीक है किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता है बेटा तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज से जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ही ज़्यादा पास होगा या जितना ज़्यादा करंट पास होगा वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है किसी कंडक्टर से जितना ज़्यादा करंट होगा वोल्टेज भी उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है तो अब करंट अगर ज़्यादा पास हो रहा है तो वोल्टेज इसका मतलब क्या है बेटा ज़्यादा है मतलब वोल्टेज क्या है हमने डिस्कस किया था चार्जेस की मूव चार्जेस जो मूव करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो उनकी वर्क करने की एबिलिटी जो है बिटवीन टू पॉइंट्स उसको हम क्या कहते हैं वोल्टेज तो बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ये कंडक्टर के बिटवीन जो टू एंड्स हैं इनके बिटवीन जो चार्जेस वर्क कर रहे हैं इस वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा वोल्टेज तो जितने ज़्यादा चार्जेस पास होंगे जितना ज्यादा करंट पास होगा तो वर्क उतना ज्यादा होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज उतना ज्यादा होगा तो ओम्स ने स्टेटमेंट ये दी थी कि द करंट पासिंग थ्रो कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन इट एंड द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ अंड बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर जो यहाँ पे वर्क हो रहा होगा वो हो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे बेटा करंट से तो जितना ज़्यादा करंट पास होगा चार्जेस जितने ज़्यादा पास होंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा तो इनके बिटवीन डायरेक्ट पुपोर्शन का रिलेशन है यही स्टेटमेंट दी थी ओम्स ने तो बेटा स्टेटमेंट गेंद डालें और ओम्स लॉ लिखना स्टार्ट करें द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन एट एंड्स बिटवीन इट्स एंड्स ठीक है टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर के बिटवीन जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट से तो आपने क्या लिखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन इट्स एंड्स ठीक है भाई स्टेटमेंट के बाद अब हम हैंड डालेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैथेमेटिकल प्रेजेंटेशन बेटा स्टेटमेंट के रेफरेंस से हम करेंगे यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है बेटा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे वोल्टेज से तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट जो है बेटा यहाँ पे वो है एस ये जो एस है ये अभी हमने डिस्कस किया एस क्या बेटा कंडक्टेंस ठीक है एस के कंडक्टेंस अब कंडक्टेंस मींस एस जो है ये किसके बराबर है ये बराबर है वन अपॉन आर के ठीक है अभी हम डिस्कस करके आए कंडक्टेंस को तो अब वो जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे इक्वल टू कॉन्सटेंट लगाएंगे वी एज इट एस कॉन्सटेंट की जगह क्या जाएगा बेटा एस वी एज इट एस एस की जगह एस की वैल्यू वन अपॉन आर वी एज इट एस फिर आर यहाँ पे जरा देखिएगा डिवाइडोर है दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई तो आर को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई आर इक्व टू वी और करके रिलेशन को पलट देंगे वी इक्वस टू आई आर ये आपने वोल्टेज का रिलेशन बना लिया अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने वोल्टेज का रिलेशन ड्राइव कर लिया वी इक्वस टू आई आर ठीक है भाई तो यहाँ तक आके आपके पास ओम्स लॉ का टॉपिक हो गया कंप्लीट ठीक है भाई तो यहाँ तक आके जैसे ही हमने ओम्स लॉ का टॉपिक बेटा कंप्लीट किया तो अब ओम्स लॉ के आपके पास जो है वो तीन नोमैरिकल हैं और इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के ठीक है 16.2, 16.3 एंड 16.4 ठीक है जो कि करने हमने लाजमी है और वो जो है वो इम्पोर्टेंट नुमरिकल हैं इस चैप्टर के पेपर के लिहाज से बोर्ड के लिहाज से वो ज़्यादा आते हैं पेपर में ठीक है भाई तो ये नमारिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है और जाते जाते हैं बेटे अगर आप लोग ने लेचर लाइक नहीं कर तो ज़रूर लाइक करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड आज के कोई भी कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं ई मेल कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर ई मेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा इन नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नुमेरकल के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा अलाजिज़